नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन एस्ट्रो लाइफ चैनल पे पधारने के लिए। दोस्तों आज हम जून के महीने की बात करेंगे। ये महीना जो वर्ष 2022 की रिदम जो अभी तक चली आ रही थी उसको बदलने वाला है और उसके बदलने के पीछे कारण है। कारण यह है कि बड़े बड़े ग्रहों के परिवर्तन हो रहे हैं इसमें। जहां एक ओर शनि देव मार्गी से वक्री हो रहे हैं 4 जून को, वहीं दूसरी ओर राहु अपना नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं 15 जून को और वो कृतिका नक्षत्र से अब निकल के आ जाएंगे भरणी नक्षत्र में। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन, और ये परिवर्तन 15 जून से होगा और इसका प्रभाव रहेगा जनवरी 2023 तक। तो इतना लंबा प्रभाव राहु का रहेगा। और आप जानते हैं कि राहु के बारे में हमने पहले भी राहु के नक्षत्र के आधार पर जब वो रोहिणी में थे तो बहुत सारे जल से संबंधित दुर्घटनाओं की चर्चा की थी, उसका प्रेडिक्शन दिए थे, सारे हमारे सही हुए थे। तो ये भी एक बात है कि राहु का जो नक्षत्र है वो बड़ा महत्व रखता है, शनि का नक्षत्र भी महत्व रखता है, और वो नक्षत्र परिवर्तन राहु का होने वाला है 15 जून को। तो भरणी नक्षत्र की मैं आपसे आगे बात करूंगा। इसके अलावा अंगारक दोष बनने वाला है 27 जून को। मंगल देव मीन राशि से निकल के चले जाएंगे मेष राशि में, जहां राहु वहां बैठे हुए ऑलरेडी। तो राशि और राशिश दोनों ही प्रभावित होंगे, राशि यानी मेष, राशिश यानी मंगल, दोनों ही प्रभावित होंगे। तो ये एक गंभीर मामला बनता है। तो इन सभी की आज हम बात करने वाले दोस्तों थोड़ी सी बात करते हैं आर्यन खान की, जो कि शाहरुख खान के सुपुत्र हैं। और जैसा कि आपने सुना होगा कि उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया गया। जब उनका केस लगा था, जब वो पकड़े गए थे, उस समय यूट्यूब के लगभग सारे ज्योतिष उनके भविष्य के बारे में तरह तरह की ऋणात्मक टिप्पणियां कर रहे थे, और बहुत से प्रतिष्ठित चैनल भी उनमें शामिल हैं जो कि ज़्यादातर हवा का रूप देख के प्रेडिक्शन करते हैं। लेकिन हमारा वीडियो आप देखिएगा, मैं लिंक दे दूंगा, उसमें हमने स्पष्ट रूप से कहा था कि इससे आर्यन खान को कुछ नहीं होना है, बल्कि उनके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ही सिद्ध हो गए, और वही सिद्ध हुआ। आर्यन खान बाइज्जत बरी हैं आज की डेट में, और आने वाले समय में आप हमारी उनके बारे में जो दूसरी भविष्यवाणी थी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज वाली, वो भी सत्य होती सिद्ध देखेंगे। तो दोस्तों हमारा उद्देश्य हमेशा रहता है कि कुंडली के आधार पे सही गणना, सही जानकारी आपको दें इस चैनल के माध्यम से। सबसे पहले अगर बात करूं शनि के वक्री होने की, तो इस पे अलग से एक वीडियो मैं बनाऊंगा दोस्तों, और 4 तारीख के पहले ही बना करके मैं इसको अपलोड करने का मेरा प्लान है। तो कृपया उसका इंतज़ार करें, उस पर ज़्यादा प्रकाश नहीं डालूंगा। सिर्फ ये कहूंगा कि ये जो शनि का वक्रत्व है, कुंभ राशि में तो शनि आ गए हैं, लेकिन उनकी आत्मा अभी भी मकर राशि में बसी हुई है, क्योंकि वो वक्री हो रहे हैं। वक्री होकर फिर वो चले जाएंगे जुलाई में मकर राशि में। तो अभी जो शनि देव हैं उनने कुंभ राशि का पूर्ण रूप से असर तो नहीं दिया, लेकिन ये जो वक्रत्व काल है इसमें ये अपना असर काफ़ी लंबे से अच्छे से दिखाएंगे, और उसकी बात हम अपने अलग वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में पहले बात करते हैं राहु के भरणी नक्षत्र में संचरण की, जो कि 15 जून से होने वाला है। और अभी तक राहु कृतिका नक्षत्र में थे, सूर्य के नक्षत्र में और मेष राशि में, जैसा कि आप जानते हैं। कृतिका नक्षत्र से अब जब भरणी नक्षत्र में जाएंगे, ऐसा नक्षत्र जो कि बहुत शुभ नहीं माना जाता, भरणी नक्षत्र एक क्रूर संज्ञक नक्षत्र माना जाता है, इसके स्वामी यमराज माने जाते हैं। और भरणी नक्षत्र में राहु का संचरण कहीं ना कहीं खाद्य संकट को उत्पन्न करने वाला होता है। तो आने वाले समय में ये जो है जनवरी 2023 तक राहु का संचरण
15 जून से जनवरी 2023 तक रहने वाला है भरणी नक्षत्र में। काफ़ी लंबा संचरण है और इस समय पर जो प्रमुख बात होगी वो होगी खाने का, अनाज का संकट, जो कि प्रैक्टिकली भी हम देख रहे हैं। तो पहली बात ये होगी। दूसरी बात जो राहु के भरणी नक्षत्र में जाने से होगी वो ये होगी कि मृत्यु दर में कहीं ना कहीं वृद्धि करेगा। ये अपने अलग वीडियोस में भी हमने बताया है मृत्यु दर में वृद्धि की बात, दूसरे एंगल से भी निकल के आ रही है। तो ये भरणी नक्षत्र में राहु मृत्यु दर को बढ़ाएगा, क्योंकि यमराज जो है मृत्यु के देवता हैं, भगवान शंकर ने उनको डेप्यूट किया है इस काम में, इस वर्क में। और ये बताना इसलिए ज़रूरी क्योंकि इससे उपाय निकलेंगे। तो भगवान शंकर के द्वारा डेप्यूटेड यमराज इसके इस नक्षत्र के मालिक हैं, और यमराज के मालिक के नक्षत्र में राहु का जाना उसको, उस आग को भड़काने का काम करेगा। और भरणी में राहु का संचरण मृत्यु दर को बढ़ाने वाला रहेगा, ये हमारा प्रिडिक्शन है। और इसलिए कोई भी रोग हो, युद्ध हो, इस तरह की किसी भी विभीषिका से और जो नेचुरल कैलमिटीज़ हैं उनकी संख्या में भी कमी आपने दर्ज की होगी 2022 में। लेकिन अब जून से जो मैंने बोला लय में एक चेंज आएगा, तो नेचुरल कैलमिटीज़ बढ़ेंगी इसके आने से, राहु के भरणी नक्षत्र में आने से, और उससे हताहत लोगों की संख्या बढ़ेगी, रोगों की संख्या बढ़ेगी, और साथ ही युद्ध की परिस्थितियों का भी निर्माण ये कर सकता है। भूख भुखमरी की बातें तो हमने बताई हैं आपको। तो राहु का कुल मिला के भरणी नक्षत्र में संचरण अच्छा नहीं है, और इससे अगर बचना है आपको, खासकर ऐसे लोग जिनका कोई ग्रह भरणी नक्षत्र में बैठा है, या जिनकी लग्न का नक्षत्र भरणी नक्षत्र है, या राशि का नक्षत्र भरणी नक्षत्र है, ऐसे लोगों को राहु की शांति करना चाहिए। और उसके लिए सर्वश्रेष्ठ है राहु के शांति मंत्रों का जप करना, दूसरा भगवान शंकर की आराधना करना भी उनके लिए श्रेयस्कर है। इसके अलावा मेष राशि जिनके मारक राशि हो जाती है, मारक स्थान में बैठती है, जैसे कि कन्या लग्न के जो जातक हैं उनके लिए, या मीन लग्न के जो जातक हैं उनके लिए, या फिर तुला लग्न के जो जातक हैं, इन तीन लग्न वालों के लिए ये कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। राहु का संचरण, एक्सीडेंट, चोट, ये सब चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। वृश्चिक लग्न वालों के लिए भी ये सावधानी रखना जरूरी है, उनको रोग घेर सकते हैं। तो ये जो चार लग्ने मैंने बताई उनको बहुत सावधानी रखने की ज़रूरत है, उनको राहु की शांति करना चाहिए। भगवान शंकर का आशीर्वाद लेते रहें, भगवान शंकर का रुद्राभिषेक करें, खासकर श्रावण के महीने में बहुत अच्छे से करें, और इसके अलावा नित्य प्रति भगवान शिव की आराधना करना सर्वश्रेष्ठ होगा। ये आपके स्वास्थ्य का रक्षण करने में सहायक होगा। तो दोस्तों, पहली बात ये थी राहु के भरणी नक्षत्र में संचरण की। अब इसके बाद जो दूसरी बात होने वाली है वो मैं आपसे करता हूँ, और इसमें सबसे प्रमुख मंगल की बात हमने अपने दूसरे एक वीडियो में कर चुके हम, और फिर से करूँगा क्योंकि ये महत्वपूर्ण है, ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मंगल देव अपनी खुद की राशि में जा रहे हैं, और जहाँ उनका सामना राहु के साथ होने वाला है, और ये ज्योतिष का सिद्धांत है, ज्योतिष के जो छात्र हैं वो इस बात को बहुत अच्छे से समझें कि जब राशि और राशि स्वामी दोनों ही किसी ग्रह के प्रभाव में आते हैं तो वो प्रभाव भयानक होता है, वो प्रभाव सिग्निफिकेंट होता है, वो प्रभाव काफ़ी बड़े परिमाण का होता है। तो ये जो मंगल का मेष राशि में संचरण मंगल को प्रभावित करेगा और मेष राशि को भी प्रभावित करेगा, इसलिए मंगल के मामलों में जो इसमें
पुलिस आती है, सेना आती है, युद्ध आते हैं, इनमें बढ़ोतरी होगी, सैनिकों पुलिस के जवानों के हताहत होने की संख्या बढ़ेगी, लोगों को सिर में चोट लगने के प्रकरण बढ़ेंगे। इसलिए जो भी ड्राइव करते हैं टू व्हीलर, जरूर हेलमेट पहने, कार ड्राइव करते हैं तो आप जरूर बेल्ट सीट बेल्ट लगा करके ही कार चलाएं। इन बातों का ध्यान रखें, विशेषकर वो लोग जो चार लगने मैंने बताई हैं, उन चार लगने वाले लोग विशेष रूप से, क्योंकि उन पे डबल इफेक्ट आएगा, एक तरफ से राहु का भरणी नक्षत्र का इफेक्ट, दूसरी तरफ से मंगल का मेष राशि में संचरण का इफेक्ट। तो उनको कम से कम 1.5 महीने तक तो बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है, 20 जून से जो कि समय शुरू हो जाएगा। तो इस समय आपको प्रोटेक्शन लेना है अपने प्रियजनों के लिए, अपने आप को बचा के चलना है। मेष में राहु का संचरण कहीं ना कहीं रोगों की उत्पत्ति करने वाला होगा। अंगारक दोष जो है वो रोगों को भी बढ़ाता है। अंगारक दोष जो है वो जैसे अंगार धधकते हैं, ऊपर राख जम जाती है लेकिन अंदर जो है अंगार होता है, आग होती है। अगर आपने गलती से उसको छू दिया राख देख के तो आप जल जाएंगे। उसी तरह की स्थिति इस अंगारक दोष में होती है। और जो भी डिस्प्यूट्स दुनिया भर में चल रहे हैं, उन सभी डिस्प्यूट्स में कुछ न कुछ गतिविधियां होने का खतरा, अंगारक दोष जो है वो अगर आपस में राइवलरी है आपके और आपके किसी पार्टनर के बीच, आप और आपके किसी परिचित के बीच अगर कोई मनमुटाव है तो वो और भड़क सकता है। यही अंगारक दोष का प्रकरण है। अगर कोई बीमारी छुपी हुई है आपके और वो बीमारी आपको ज़्यादा परेशान कर सकती है, कोई बीमारी जैसे आप इग्नोर कर रहे हो और समस्या चल रही है लेकिन मैनेजेबल थी, लेकिन अंगारक दोष जब बनेगा 20 जून से तो वो समस्या गंभीर होकर सामने आएगी। कोरोना भी जैसे है या और भी मंकी पॉक्स या इस तरह के अन्य कोई बीमारी जो अभी परेशान नहीं कर रही है, जो कि जिसके ऊपर राख चढ़ी हुई है, या जैसे लोग बहुत सारे लोग अफेक्टेड हो के भी रिपोर्ट नहीं करते हैं आजकल कोरोना के बारे में, और इसीलिए संख्या काफ़ी कम है ऐसा मेरा मानना है। तो ये जो समस्या है, ये जो बात है कि इसको पूरी तरह से अभी सबके सामने ये नहीं आया है, वो अब संख्या बढ़ के सामने आ सकती है, या कोई अन्य एपिडेमिक, कोई अन्य रोग फैल सकता है। हमने पहले भी इसका प्रेडिक्शन किया हुआ है। तो ये अंगारक दोष से दोस्तों बच के चलना है 20 जून से, रेड अलर्ट टाइम मैं आपको जारी करता हूँ। और मेरा उद्देश्य आपको डराना नहीं रहता दोस्तों, मेरा उद्देश्य रहता है कि मैं आपको सचेत कर दूँ। आप हमारे इस परिवार से जुड़े हुए लोग हैं, ये चैनल भी एक तरह का परिवार है। मैं भी मेहनत करता हूँ ताकि अपने परिवार को, अपने इस चैनल से जुड़े हुए सभी लोगों को आगाह कर सकूँ किसी ग्रह के प्रभाव से, वो बच सकें ताकि हमारे परिवार के लोग, और साथ ही किसी प्रकार की समस्या उनको ना हो, यही उद्देश्य रहता है। और इसमें हम उपाय भी बताते हैं ताकि आप अगर छोटी मोटी कोई समस्या हो तो उस उपाय के जरिए बच सकें। तो मेरे इस बात को आपने ध्यान दिया होगा, ऐसा मुझे लगता है कि 20 जून से अंगारक दोष, और उसके पहले 15 जून से राहु का जो संचरण हो रहा है भरणी नक्षत्र में, ये संचरण, ये चेंजेस हम सभी के लिए अच्छे नहीं हैं और चार लग्नों के लिए विशेष रूप से खराब है। इसके बाद शुक्र जो है वो वृषभ राशि में जाएंगे तो अच्छी जगह में जाएंगे, उसमें कोई समस्या नहीं है। शुक्र जो वृषभ राशि में जा रहे हैं अच्छा होगा, उससे लग्जरी आइटम्स के दाम गिर सकते हैं, कारों के दाम गिर सकते हैं। ये जो है ये बात मैं कर रहा हूँ 20 जून से ही, तो लग्जरी कारों के दाम गिर सकते हैं, या जो भी लग्जरी आइटम्स हैं उनके दाम गिर सकते हैं जब भी स्वग्रही शुक्र होता है। आभूषण के दाम भी गिर सकते हैं,
जब भी स्वग्रही शुक्र होता है। तो ये स्वग्रही शुक्र वृषभ राशि में शुक्र आने के परिणाम हमको देखने को मिलेंगे। और भारत की जो लग्न है वो भी वृषभ है, तो कहीं ना कहीं भारत के लिए भी कुछ सम्मान प्राप्ति की बात 20 जून के आसपास हो सकती है, ऐसा हमारा मानना है। तो दोस्तों ये थी प्रमुख ग्रहों के संचरण की बात, और अब मैं जल्दी से आपको ये बताता हूँ कि अलग अलग लग्न वालों के लिए ये समय जो है जून का महीना किस तरह से जाने वाला है। बहुत ध्यान से आप सुनिएगा, ये एक तरह से जून का मासिक भविष्यफल आपके लिए मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। सबसे पहले मेष लग्न के जो जातक हैं उनके लिए जैसा मैंने बोला मिड ऑफ द जून से समस्या गंभीर हो सकती है, उनको बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है। मिड ऑफ द जून तक आपको यात्राएं ज़्यादा होंगी, खर्चा भी होगा और लेकिन समय अच्छा रहेगा। ये जो समय है भाग्य में वृद्धि करेगा, बाहर से आपका व्यापार वगैरह बढ़ सकता है। वृषभ लग्न के लिए ये जो समय है 20 जून तक का वो खराब है, अच्छा नहीं है, समस्या मूलक हो सकता है, शारीरिक तकलीफ वाला हो सकता है, मानसिक तकलीफ वाला भी हो सकता है जिनकी वृषभ राशि है। लेकिन 20 जून के बाद फिर ये समय इनका अच्छा आएगा, काफ़ी अच्छे मौके मिलेंगे उनको, आमोद प्रमोद के अवसर आएंगे, मन में प्रसन्नता रहेगी, लोगों से मिलना जुलना बढ़ेगा और आपको यात्रा के अवसर भी 20 जून तक भी मिल सकते हैं। उसके आसपास जो ट्रांजिशन पीरियड है उस टाइम पर यानी अभी से लेके 1 जून से 20 जून तक यात्रा के अवसर भी मिल सकते हैं। मिथुन राशि के जो जातक हैं मिथुन लग्न के माफ कीजिएगा मिथुन लग्न के जातकों के लिए समस्या मूलक टाइम जो है वो 4 जून से लगभग समाप्त होगा, क्योंकि उनका जो लग्नेश या वक्री चल रहे थे वो मार्गी हो जाएंगे और मार्गी होके उनकी जो चाल है वो सीधी होगी। तो जो जीवन में उलझाव था मिथुन वालों के लिए अगर कुछ चल रहा था तो वो कुछ सॉल्व होने की उम्मीद है। हालांकि ये महीना पूरा फिर भी संघर्ष का ही रहेगा, यात्रा वगैरह आपकी भी हो सकती है, खर्च से बचें, अचानक खर्च की परिस्थितियां आ सकती हैं, केस मुकदमा वगैरह अगर आपका लग रहा है जून में तो उसको टालने का प्रयास करें मिथुन लग्न वाले। राशि भी आप ले सकते हैं मिथुन लग्न मिथुन राशि दोनों। इसके बाद कर्क लग्न के लिए ये जो समय है अच्छा ही चल रहा है और कर्क लग्न वालों को राहु का जो संचरण है वो समस्याओं में कुछ कमी करने वाला होगा 15 जून से। स्थान परिवर्तन उनका हो सकता है कार्य क्षेत्र में, व्यापार में कुछ परिवर्तन उनको करना पड़ सकता है अगर व्यापारी हैं तो ये जो समय है परिवर्तन का समय कर्क वालों के लिए रहेगा। 15 जून से ही परिवर्तन की स्थितियां प्रारंभ हो जाएंगी आपके लिए, लेकिन समय आपका अच्छा है, धन प्राप्ति के लिए समय अच्छा है, मान सम्मान प्राप्ति के लिए समय अच्छा है, आराम की प्राप्ति के लिए भी समय अच्छा है। सिंह के लिए ये जो समय है सिंह लग्न के लिए ये अच्छा समय रहेगा। आपको जो शारीरिक तकलीफ अगर कुछ लग रही थी चल रही थी या कार्य क्षेत्र में कुछ तकलीफ चल रही थी उसका समाधान मिलेगा मध्य से, जून के मध्य से समाधान मिलेगा। और साथ ही चूंकि वृषभ राशि में सूर्य जाएंगे आपके दशम भाव में और मजबूती से बैठेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा 15 जून के बाद। कार्य क्षेत्र में परिस्थितियां सुधरेंगी, पद प्राप्ति हो सकती है आपको, मान सम्मान की प्राप्ति 15 जून से बल्कि 13-14 जून से ही इस तरह की परिस्थितियां आपके लिए बनेंगी। तो बहुत बढ़िया महीना आपके लिए 13-14 जून के बाद ये जाने वाला है। इस समय पे अगर कुछ काम वाम अपना स्टार्ट करना चाहते हो तो वो करिए, कोई बड़ा काम करना चाहते हो तो वो करिए, अच्छा समय है, बार बार अच्छा समय नहीं आता है। इसके बाद कन्या लग्न के लिए ये जो समय है ये
शारीरिक रूप से तकलीफ कारक हो सकता है, खास करके 15 जून से। 15 जून तक तो आपका समय अच्छा है, 15 जून के बाद शरीर के मामले में कुछ संकट है, लेकिन कार्य क्षेत्र के मामले में, धन के मामले में, व्यापार के मामले में 15 जून से अच्छा समय आएगा। तो ये मिला जुला है, शरीर के लिए अच्छा है, स्वास्थ्य माफ कीजिएगा स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, शरीर के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन बाकी जो भौतिकतावादी चीज़ें हैं, धन है, मान सम्मान है, नौकरी चाकरी है, बिजनेस है, इनके लिए ये अच्छा समय होने वाला है। इसके बाद तुला लग्न के लिए ये समय एग्रेशन को बढ़ाने वाला है, और अगर आप शादीशुदा हैं तो शादीशुदा जीवन में ये परेशानी लाने वाला है। अगर पहले से परेशानी चल रही है तो बढ़ जाएगी, डाइवोर्स वाइवर्स भी हो सकता है, तो इस समय आप बच के चलें। कोई हेस्टी डिसीजन परिवार के मामले में, शादी के मामले में अभी 2-3 महीने के लिए टाल दें, वरना थोड़ा सा भी कुछ हुआ तो आपने निर्णय ले लिया कि अब हम साथ में नहीं रहेंगे, इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। शादी ब्याह का जो भी मामला है वो लंबा मामला है, और उस पर कोई भी निर्णय जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। अगर मान लीजिए कुछ परिस्थितियां विपरीत हैं तो 3 महीने 4 महीने 6 महीने के लिए आप उसको छोड़ दीजिए, फिर ट्राई कीजिए, फिर भी नहीं होता है तब सोचिए आप। तो ये जो समय है इसमें अभी बहुत ज़्यादा पुश करने का समय नहीं है, अपनी बात को एग्रेशन में लाने का समय नहीं है, बात को जबरन मनवाने का समय नहीं है, चाहे वो आपका लाइफ पार्टनर हो या बिजनेस पार्टनर हो, उस मामले में नकारात्मक परिणाम देगा, लेकिन बाकी चीज़ों में थोड़ा ठीक ही है। स्वास्थ्य आपका भी थोड़ा नरम गरम रहेगा, तो ये समय थोड़ा चैलेंजिंग आपके लिए है। हालांकि 20 जून से शुक्र स्वग्रही हो जाएंगे तो आपकी परेशानियों में थोड़ा कमी आएगी 20 जून से। परेशानियां आने मानसिक परेशानियों में कुछ कमी आ सकती है 20 जून के बाद, यानी अगर आपका कई बार ऐसा होता है कि बुरा भी हो रहा है तो भी व्यक्ति मन में उतना ज़्यादा परेशान नहीं रहता, तो ऐसी स्थिति आपके साथ हो सकती, हो सकता है कि आपके साथ बुरा हो रहा हो लेकिन आपके मन पे ज़्यादा बोझ नहीं आने वाला है, वो खास करके तुला राशि वालों के लिए। इसके बाद वृश्चिक के लिए ये जो संचरण है अभी 20 जून तक तो अच्छा ही चल रहा है और काफ़ी अच्छा परिणाम ये आपको देने वाला है, लेकिन इस बीच 15 जून से सूर्य आपके अष्टम में चले जाएंगे तो कुछ हेल्थ इश्यूज आपको क्रॉप अप हो सकते हैं, और उसके बाद 15 जून से ही जैसा मैंने बताया भरणी में राहु का संचरण स्वास्थ्य को कुछ तकलीफ देने की स्थिति बना सकता है, तो आपको अलर्ट रहना है। जो 4 लग्ने मैंने बताई थी उसमें एक आपकी लग्न भी है, अलर्ट रहिए, ज़्यादा रिस्की काम मत कीजिए, गाड़ी वाड़ी सावधानी से चलाइए, और बाकी दूसरे मामलों में चूँकि बृहस्पति देव आपके पंचम में बैठे हुए हैं और जुलाई मध्य में लगभग जाकर के वो वक्री होने का उनका असर शुरू होगा, तो जुलाई मध्य तक तो अच्छा समय है, हर चीज़ से आपको प्रोटेक्शन ये दे देंगे, शारीरिक रूप से भी जो मैं आपको अलर्ट कर रहा था उसमें भी आपको जुलाई मध्य तक तो गुरु का प्रोटेक्शन मिल जाएगा, क्योंकि आपकी लग्न पे या अगर राशि आपकी तो आपकी राशि पे दृष्टि है बृहस्पति की। शनि महाराज का वक्री होना जरूर आपको कुछ मानसिक परेशानियां दे सकता है, तो कुल मिला के वृश्चिक वालों के लिए थोड़ा मानसिक और शारीरिक परेशानी वाला समय है लेकिन मैनेजेबल है। धनु के लिए ये जो समय है ये कहीं ना कहीं अच्छा ही जाएगा, क्योंकि मंगल देव आपके लिए त्रिकोण भाव में संचरण करेंगे, जो थोड़ी शारीरिक तकलीफ आपको कुछ लग रही होगी या आपका झगड़ा वगड़ा हो रहा होगा, विवाद हो रहा होगा लोगों से अगर, तो उसमें शांति मिलेगी। लेकिन पंचम में भी राहु के साथ वो आएंगे, संतान को कष्ट हो सकता है, संतान के मामले में आप थोड़ी सावधानी रखें, मैनेजमेंट आप अपना ठीक रखें, गलत निर्णय ना लें, शेयर बाजार में लालच में आके इन्वेस्टमेंट ना करें, ये सब धनु के लिए है। और सूर्यदेव का वृषभ राशि में संचरण अभी चल रहा है आपके लिए,
अब वो मिथुन में आएगा तो कहीं ना कहीं एक एग्रेशन आपका जो है 15 जून से वो भी बना ही रहेगा। एग्रेशन अभी भी चल रहा है, 15 जून से भी चलता रहेगा। कुल मिला के ये समय आपके लिए ठीक ठाक सा है, बहुत ज्यादा अच्छा तो मैं नहीं कहूंगा। मकर राशि के लिए, मकर लग्न के लिए माफ कीजिएगा, ये संचरण, ये जो सारे संचरण है जून का महीना जो है बेसिकली, ये अभी वक्री हो जाएंगे शनिदेव, तो आपको कुछ राहत की खबर दे सकते हैं। अभी ये शनि जब से अप्रैल में आए हैं, मध्य में, अप्रैल मध्य में कुंभ राशि में, तो आपके लिए समय उतना अच्छा नहीं जा रहा होगा। अब समय थोड़ा बेहतर होगा वक्री होने के बाद, तो जून मध्य से समय आपका बेहतरी पे आएगा। शुक्र भी स्वग्रही हो जाएंगे, तो आपके लिए काम काज के मामले में, संतान के मामले में, हर तरह से वो सहायता करेंगे, सुख सुविधा प्रदान करेंगे। मकर राशि के लिए अच्छा समय जून का रहने वाला है। कुंभ लग्न के जो जातक हैं दोस्तों, उनको ये जो समय है, ये तीसरे भाव में मंगल का संचरण उनके पराक्रम को बढ़ाने वाला है, लेकिन चूंकि वहां पर राहु बैठे हैं तो अति उत्साह में आप मत आ जाइएगा, ओवर एग्जर्ट मत कीजिए और दुस्साहस मत कीजिए, ये आपको सलाह दी जाती है, खास करके 15 जून के बाद। 15 जून के बाद आपको अलर्ट रहना है। इसके अलावा शुक्र जब 15-20 जून से ही शुक्र स्वग्रही हो जाएंगे, तो आपके लिए बड़ा अच्छा समय रहेगा। आपके चौथे भाव के स्वामी हैं शुक्र और नवे भाव के स्वामी हैं शुक्र, तो आपका भाग्य वर्धन करेंगे, सुख में वृद्धि कराएंगे, नया वाहन, गाड़ी, मकान, ये सब आप ले सकते हैं। तो शुक्र का वृषभ राशि में संचरण बढ़िया प्रभाव एक महीने के लिए आपको देने वाला है। तो 15 जून से मैं ये कहूँ अगर कि बहुत कई मामलों में अच्छा समय आपके लिए है, तो कोई गलत नहीं होगा। शनि भी वक्री हो रहे हैं और शनि जब से अप्रैल में आए हैं कुंभ राशि में, थोड़ी समस्या आप महसूस कर रहे होंगे, कार्यों में अड़चन, रुकावट, परेशानी, वो चीजें कम होंगी 4 जून के बाद से। तो आप एक अच्छा समय जून के महीने में कुंभ लग्न वालों को, कुंभ राशि वालों को मिलने वाला है। इसके बाद अंतिम लग्न, अंतिम राशि मीन। मीन के लिए ये जो समय है, ये एग्रेशन वाला अभी तक था, अब थोड़ा धन कमाने वाला समय आएगा। हालांकि धन तो अभी भी आपको मिला होगा, लेकिन धन भाव में, धन भाव के स्वामी का बैठना राहु के साथ गलत रास्ते से पैसे दिला सकता है आपको, मुख में पीड़ा दिला सकता है आपको, मुंह में कोई चोट वगैरह भी लगा सकता है, मुख में छाले हो सकते हैं, नेत्रों में समस्या आ सकती है। तो ये सब चीजें आपके साथ जून के महीने में, खासकर जून मध्य से आप महसूस कर सकते हैं। शुक्र का स्वग्रही हो जाना आपके लिए यात्राएं, छोटी यात्राओं ले को लेके आएगा, आसपास की यात्राएं, सुखद यात्राएं आप करेंगे। इसके अलावा शनि का जो वक्री होना है, वो आपको जो 7.5 का एक इफेक्ट, जो मीन राशि वाले हैं या मीन लग्न को भी हल्का प्रभाव तो आएगा ही, वो इफेक्ट अब थोड़ा कम होगा। वो इफेक्ट आप थोड़ा सा आपने अप्रैल से झेला होगा, उसमें थोड़ी कमी आने की उम्मीद है, अन्यथा 7.5 आपको खर्चा कराना उसने शुरू कर दिया होगा, तो खर्चे में कुछ कमी आती हुई दिखाई दे सकती है 4 जून के बाद। तो ये था दोस्तों आप सभी की लग्नों राशियों के लिए जून का महीना किस तरह से जाने वाला है। आशा है आपको पसंद आया होगा, पसंद आया है तो आप जरूर इसको लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए, और जब तक आप लाइक शेयर नहीं करेंगे तो हमारा उत्साह कैसे बढ़ेगा कि हम और इसको बेहतर बनाएं या और इस तरह के अच्छे कार्यक्रम लाएं। तो ऐसा कीजिए, और आशा है कि आपने अभी तक सब्सक्राइब कर दिया होगा हमारा चैनल और बेल आइकॉन को भी पुश किया होगा, नहीं किया है तो करिए, और इसी तरह से अपना प्यार, अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखिए। नमस्कार।